हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली आईडीबीआई बैंक के अंडर जो असिस्टेंट मैनेजर के 600 वैकेंसी के अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर सेकंड 2019 के अंडर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होके 7 जुलाई 2019 को उसकी लास्ट डेट थी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो फाइनली उसके जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के कॉल लेटर हैं वो आईडीबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। क्लियरली फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो यहां पे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होगी, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम यहां पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को चूज किया था। तो जब हमने ऑनलाइन फॉर्म इसका फिल करके आपको दिखाया था कि आपको कैसे वहां पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी और ओबीसी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वालों को उनको वहां पे टिक करना था, वही कैंडिडेट्स यहां पे अपने कॉल लेटर को फ्रेंड्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा जो स्टूडेंट्स ने यहां पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए टिक कर दिया था उनको कैसे अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करना है, और आपके जो मेन एग्जामिनेशन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कौन से सेक्शन रहेंगे और उन सेक्शन में से आपके सैंपल टाइप किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, वो भी हम इस वीडियो में फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके माइंड में जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहां पे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी वाले हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग जो है वो नहीं रहेगी। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन से पहले होने वाली आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको बेसिक सब बताया जाएगा कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम 28 जुलाई 2019 को सभी के लिए कंडक्ट होगा, तो उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। कब से लेकर कब तक ये कंडक्ट होगी वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है। तो फिर डायरेक्ट लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन का, तो आपको यहां पे इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास एक नई विंडो यहां पे ओपन होकर आ जाएगी। लिंक मैं आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद जब आप वहां पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज यहां पे ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहां पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पे एप्लीकेशन लॉगिन जो है वो करना है। तो यहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहां पे सही से डालेंगे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको वहां से मिला था, वो आप यहां पे सही से डाल के लॉगिन यहां पे कर लेंगे। डायरेक्टली आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ चूज किया था ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, उनका ही यहां पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यहां का जो कॉल लेटर है वो यहां पे अवेलेबल रहेगा। तो डायरेक्टली यहां से लॉग इन करके वो अपना जो कॉल लेटर है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो यूजर आईडी अपना भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे यहां पे जाएंगे तो यहां पे डायरेक्टली अपना जो मेल आईडी है और यूजर आईडी आप यहां पे डाल के अपना जो पासवर्ड है वो यहां से रिसीव कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहां पे मेल आईडी पे आपका जो पासवर्ड है फॉरगेट करके आप यहां पे ले सकते हैं और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो कॉल लेटर है वो यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्री एग्जामिनेशन की जो आपकी ट्रेनिंग है वो कब से लेकर कब तक कंडक्ट होगी वो आप यहां पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के जो कॉल लेटर अभी अवेलेबल हो चुके हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज यानी कि 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई 2019 तक आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है एससी एसटी और ओबीसी वाले एप्लीकेंट्स जिन्होंने यहां पे टिक किया था ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम उनकी ये जो ट्रेनिंग है वो 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज यहां पे चलेगी और इन सारे सेंटर्स में चलेगी। सेंटर आप यहां पे देख सकते हैं अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, बेंगलुरु, इन सारे सेंटर में आपकी जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है आईडीबीआई एडवर्टाइजमेंट नंबर सेकंड 2019 की कंडक्ट होगी। उसके बाद जो आपका वहां पर रहने का खाना होगा, ट्रैवल का खाना होगा और जो भी आपका ट्रेनिंग का वहां पे स्टे करने का खर्चा होगा वो आपका अपने रिस्क पे होगा। वो सारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद बियर वहां पे करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। आपको प्री एग्जामिनेशन लेटर के कॉल लेटर जो आपके कॉल लेटर है वो नहीं आएंगे अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम वहां पे ऑप्शन नहीं दिया था प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं तो भी आपका यहाँ पे कॉल लेटर जो है वो नहीं आएगा। तो अपनी जो ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है ये आप अच्छे तरीके से यहाँ पे 13 से लेके 18 जुलाई 2019 तक रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स लगा लेंगे, अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ लेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपका
क्या वहां पे फ्रेंड्स चलेगा। तो इस तरीके से आपको यहां पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के जो कॉल लेटर है उनको डाउनलोड करना है, और जो स्टूडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी वाले नहीं है यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनको यहां पे लगता होगा कि इस ट्रेनिंग के लिए उनको कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स उनको कुछ ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा 28 जुलाई 2019 को वो सभी के लिए कॉमन होगा, उसमें ऐसी कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगी कि ट्रेनिंग वालों को कुछ ज्यादा वहां पे मार्क्स दिए जाएंगे या फिर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी और ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए फ्रेंड्स रहेगी। तो आपका जो एग्जाम है सीबीटी कॉल लेटर जो है उसके, वो आपके 20 जुलाई 2019 को यहाँ पे आईडीबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड जो है वो हो जाएंगे, और 28 जुलाई 2019 को जो आपका असिस्टेंट मैनेजर के अंदर एग्जाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेट्स के लिए, वो आपका 28 जुलाई 2019 को फ्रेंड्स कंडक्ट होगा। तो अभी इसका जो लिंक है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सभी के लिए जो कंडक्ट होगा उसके कॉल लेटर जो है वो जैसे ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट आईडीबीआई पे अपलोड होते हैं तो वीडियो के थ्रू मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करवा दूंगा कि कैसे इसके कॉल लेटर को फ्रेंड्स डाउनलोड करना है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछे जाएंगे और सेक्शन से आपको किस तरीके का सिलेबस जो है वो अपने माइंड में अभी से सेट रख रहे हैं, ताकि आप जब वहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में फिट रहे कि आप वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाए, किस तरीके की आपको स्ट्रैटेजी वहां पर लेके जाना है वो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होगा इसमें टोटल आपकी चार सेक्शन यहां पे रहेंगी। सबसे पहली सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपकी फोर्थ सेक्शन जो है आपकी करंट अफेयर से फ्रेंड्स रिलेटेड रहेगी। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, 40 मार्क्स की आपकी यहाँ पे रहेगी। और जो आपके रीजनिंग और डाटा एनालिसिस और आपका करंट अफेयर्स हैं, इसमें करंट अफेयर्स तो आप पहले कर लोगे क्योंकि करंट अफेयर आपको पता होगा कि ये एज इट इज है, इसका आंसर यही है, बिना कैलकुलेशन के आपके वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आप करंट अफेयर इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इसमें से मैक्सिमम मार्क्स और जल्दी जल्दी आपके ये मार्क्स है वो निकल जाएंगे जल्दी जल्दी आप। उसके बाद जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, इस वाली सेक्शंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे इसमें, क्योंकि आपको वहां पे कैलकुलेशन रहेगी फिर आपको उसके बाद इसका आंसर देना, तो इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो आपको 2 घंटे यहाँ पे रहेंगे, 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, 200 क्वेश्चंस यहाँ पे 2 घंटे में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको यहाँ पे उस तरीके के अपने टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है ताकि आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर करके फ्रेंड्स जाएंगे, ताकि आप इसका जो ऑफिशियल कट ऑफ रहेगा उसमें फॉल कर पाएं या फिर मैक्सिमम स्कोर आप उसमें स्कोर कर पाएं। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यहाँ पे अगर आप गलत क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी जो आप फ्रेंड्स रहेगी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके के आपके यहाँ पे सेक्शन वाइज रीजनिंग या फिर आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड किस तरीके के आपके जो क्वेश्चन है सैंपल टाइप वो रहेंगे, वो आप यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से इनको देख लेंगे, गो थ्रू आप यहाँ पे कर लेंगे। तो इसका जो लेआउट है ये कंप्लीट एग्जाम का, ये मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके एक बार इससे फ्रेंड्स गो थ्रू हो जाए। तो फ्रेंड्स ये था इसका कंप्लीट जो असिस्टेंट मैनेजर सेकंड बैच 2019 के अंदर 600 वैकेंसी के लिए आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन 28 जुलाई 2019 सभी कैंडिडेट के लिए, उसका क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप के आपके जो सैंपल क्वेश्चन है वो रहेंगे, जो कि हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे विद इन सेकंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।